हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज आपको सिखाते हैं प्लास्टर कैसे करते हैं। प्लास्टर के लिए सबसे पहले जैसे एसी ब्लॉक मेजरनरी है, एसी ब्लॉक मेजरनरी आपके, और यहाँ पे आपका आरसीसी वॉल है, ये आपके आरसीसी वॉल है, एसी ब्लॉक है। तो प्लास्टर कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे जिप्सम की रिपेयरिंग, जैसे कि आपकी आरसीसी है तो यहाँ पे क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट आपकी प्लास्टर की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे आरसीसी है तो आरसीसी में आपकी प्लास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक रिपेयरिंग हो जाएगी। जिप्सम प्लास्टर होता है, जो जिप्सम प्लास्टर से आपकी ओनिंग फिनिशिंग हो जाएगा जिप्सम से, जिसकी थिक वन मिनिमम 2 mm तक लेयर आएगी, बस ओनली फिनिशिंग हो जाती है। जैसे आप पीओ पुट्टी करते हैं तो पुट्टी की लेयर आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से प्लास्टर होता है। तो प्लास्टर के लिए आपका जो मोर्टार रहेगा 1:6 का रहेगा, ठीक है। सीमेंट एंड बदरपुर कोर्स, वो सीमेंट एंड सैंड का मोर्टार होता है, यूज़ होता है। तो इसमें मिक्स हो गया, इस तरह से लगा दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें वो कर दिया जाता है सीमेंट, जैसे सीमेंट सलरी होती है, सीमेंट सलरी का इसमें छिड़काव से कर दिया जाता है। इस तरह से सीमेंट सलरी डाल देते हैं, या फिर जी पी टू का घोल डालते हैं। GP2 का घोल भी घोल डाल सकते हैं, क्योंकि हार्डनेस के लिए, पकड़ करने के लिए प्रॉपरली से, ठीक है। तो ये GP2 का घोल डाल दिया जाता है, वो प्रॉपरली अच्छे से मिक्सिंग हो, मिक्सिंग करने के लिए आपको इस तरह से डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एसी ब्लॉक है, वो आप सामने देख रहे हैं बीम, तो वहाँ पे बीम पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्लास्टर की, जस्ट वहाँ पे रिपेयरिंग हो जाएगी GP2, वो GP2 से और अपना POP से रिपेयर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लास्टर हो जाएगा, प्लास्टर के बाद जिप्सम का रिपेयर हो जाता है, जिप्सम प्लास्टर हो जाएगा। इस तरह से धार आपकी प्लास्टर में आपकी, यहाँ पे भी ये ब्रिक ये एसी ब्लॉक मेजरनरी है, ये एसी ब्लॉक मेजरनरी है, ये भी एसी ब्लॉक मेजरनरी है, और सामने जो देख रहे हैं ये भी एसी ब्लॉक मेजरनरी है। यहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट प्लास्टर की आती है, और ये सामने देख रहे हैं ये आरसीसी है, तो आरसीसी में जो जॉइंट है बस यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी आपकी आरसीसी है तो आरसीसी में प्लास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, अगर आपके एसी ब्लॉक है तो एसी ब्लॉक में प्लास्टर की रिक्वायरमेंट आती है। तो वहाँ पे आपका आरसीसी स्लैब एंड बीम है, तो यहाँ पे जिप सबसे पीओपी से रिपेयरिंग हो जाएगी, रिपेयरिंग के बाद जिप सबसे आपका ये रिपेयरिंग हो जाएगी, जिप सबसे प्लास्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्लास्टर से रिपेयर। और इस तरह आरसीसी वॉल है, तो इस पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्लास्टर की। तो इस तरह आपके सामने देख रहे हैं बीच में एसी ब्लॉक की मेजरनरी है, मेजरिंग करने के बाद ये प्लास्टर कर दिया जाता है। प्लास्टर सेट होने के बाद इसमें जिप्सम प्लास्टर कर दिया जाता है। इस तरह ये प्लास्टर है, प्लास्टर सीमेंट सैंड का प्लास्टर है, सो भी है। तो ये किचन है, आप देख रहे हैं एक तरफ तो है हमारी एसी ब्लॉक मेजरनरी वॉल, ये एसी ब्लॉक की मेजरनरी है, और जबकि ये फेस है, ये फेस आपका आरसीसी का है। तो इस फेस में क्या होगा, जो बीच वाला जो पोर्शन जॉइंट है, ये इस पर ग्राइंडर लगा दिया जाएगा, फेस सरफे फिनिशिंग फेस बना दिया जाएगा, और ये फासनर है, फासन काटने के बाद इसमें जिप्सम प्लास्टर से हो जाएगा, जिप्सम प्लास्टर इसमें कर दिया जाएगा। आरसीसी बस ये रिक्वायरमेंट है कि आरसीसी में आपका रिक्वायरमेंट नहीं होती प्लास्टिक का, प्लास्टर करना चाहे भी तो इसमें कॉस्ट आएगी आपकी, कॉस्ट सेविंग के लिए आप जिप्सम प्लास्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ सामने जिप्सम का प्लास्टर हो चुका है, पहले सीमेंट सैंड का प्लास्टर हुआ है, उसके बाद फिनिशिंग फेस बनाने के लिए जिप्सम का प्लास्टर हो गया है, और नीचे कच्चा कर लीजिए, ताकि जो मार्जिन है नीचे टाइल के लिए, स्कॉटिंग के लिए, वो कच्चा कटिंग कर दीजिए नीचे से पहले ही, जो आपके स्विच बोर्ड आ जाते हैं, ये सब जिप्सम प्लास्टर से रिपेयर हो चुका है, फिनिशिंग आ गई है, जो जिप्सम प्लास्टर से फिनिशिंग आ गई। जैसे सीमेंट घोल चढ़ाते हैं, बल्कि सीमेंट प्लास्टर के बाद सीमेंट घोल ना चढ़ा के ये जिप्सम प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, और ये आपका कच्चा कर दिया जाता है। जहाँ जहाँ पे टाइल की रिक्वायरमेंट होती है, टाइल लगाते हैं तो वहाँ पे कच्चा कर दिया जाता है। और अंदर भी एक बात, ये आपका टॉयलेट है, ये आपके बाथरूम है, तो बाथरूम में सभी जगह टाइल लगेगी, तो इस पर कोई प्लास्टर नहीं करना है, इस पर कच्चा प्लास्टर करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम कच्चा प्लास्टर, देखो सीलिंग में कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, बस वहाँ पे रिपेयरिंग हो जाएगी, और जिप्सम प्लास्टर की रिपेयर हो जाती है। जैसे जिप्सम, ये आपका जिप्सम प्लास्टर है, फिनिशिंग जिप्सम प्लास्टर से हुई हुई है, ठीक है। वो अंदर POP के जॉइंट भर दिए जाएंगे, जो वो जॉइंट देख रहे हैं आप वहाँ पे, जो गैप देख रहे हैं वो गैप आपके GP2 से भर दिए जाएंगे। GP2 भरने के बाद, या GP2 से, या फिर POP से गैप भरने के बाद जॉइंट प्रॉपरली से बना दिया जाता है। ये भी सब जिप्सम प्लास्टर हुआ है, ठीक है। तो ये फेस आपका इस तरह से जिप्सम प्लास्टर कर दिया जाता है। जब देख ले सामने आरसीसी में कोई प्लास्टर नहीं हुआ है,
सामने देख रहे हैं हम आरसीसी पे कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, आरसीसी पे बस ये जिप्सम रिपेयरिंग हो जाएगी, जिप्सम प्लास्टर से पीओपी से जहाँ पे जॉइंट है, गैप है, वो गैप आपके रिपेयरिंग हो जाएगी, रिपेयरिंग के बाद जिप्सम प्लास्टर हो जाता है। बस यही फ़र्क होता है एसी ब्लॉक और मेजरिंग के अंदर प्लास्टर के अंदर। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।